नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं देश प्रदेश के 30 बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्म दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड किया जा रही है। 100 दिन में महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसमें लखपति दीदी योजना की सफलता प्रमुख है। बिहार में विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। वही इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलिंगकर और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सी के अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने पार्टी की सदस्यता अभियान की जानकारी दी। उनके अनुसार इस अभियान के तहत केरल की दो प्रमुख पार्टियां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में शामिल हो चुकी हैं और अब कई अन्य प्रांतों में छोटी पार्टियों से विलय की बातचीत जारी है। आम आदमी पार्टी ने कालकाजी से विधायक आतिशी को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया है। वही प्रेस वार्ता में आतिशी ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में काम करूंगी। दिल्ली की 2 करोड़ जनता मिलकर मेहनत करेगी और केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार सरकार ने दाखिल खारिज की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब जमीन रजिस्ट्रेशन के बाद दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं होगी। ये स्वचालित रूप से जोन कार्यालय को भेजा जाएगा। इस नई प्रक्रिया को राजस्व और भूमि सुधार मंत्रालय ने लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डिमोलिशन या बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। आदेश दिया है कि केवल सार्वजनिक अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि बुलडोजर कार्रवाई न्याय के महिमांडन के रूप में नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार बिहार के उत्पादों को विशिष्ट पहचान जीआई टैग देने की तैयारी कर रही है। इसमें गया का तिलकुट और पत्थलकट्टी, वैशाली का चीनिया केला, नालंदा की बावन बूटी, भोजपुर का खुरमा और सीतामढ़ी की बालूशाही शामिल है। ये प्रस्ताव जिलाधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की आवाज पर गणपति पूजा समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के शामिल को लेकर विवाद पैदा हो गया है। विपक्ष ने सीजीआई पर निशाना साधा है, वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया है। बिल गेट्स ने भारत की प्रशंसा की है। बता दें, बिल गेट्स ने भारत को कुपोषण समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रेड ए दिया है। उन्होंने पीटीआई से कहा कि इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने से सकारात्मक बदलाव की संभावना है। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी को हिला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट पर रोक की अधिसूचना पर फटकार लगाते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बताई और सीबीआई को नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में संदिग्ध परिस्थितियों में एक तेंदुए का शव मिला है, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मृत तेंदुए के शव की बेसरा जांच के बाद मृत्यु के सही कारणों का खुलासा होने की उम्मीद है। नाइजीरिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रहा है। नाइजीरिया सॉफ्ट क्रेडिट की व्यवस्था में जुट गया है और इसके सैन्य अधिकारियों ने पहले ध्रुव हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग ली है। प्रचंड हेलीकॉप्टर ध्रुव के आधार पर विकसित किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने असनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को दोहा और यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति दे दी है, जबकि उनके खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा ने लुक आउट नोटिस जारी कर रखा है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में इसका विरोध किया और 7 सितंबर 2024 को याचिका दायर की थी। बता दें कि ग्रोवर प्रो में भारत पे के को फाउंडर और MD रह चुके हैं। तेजस्वी यादव के विदेश यात्रा पर सियासत गर्म। बिहार में तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी ने आभार यात्रा के बीच में ही विदेश जाने का फैसला किया है। भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि ये नॉन सीरियस राजनीति का उदाहरण है।
गाजीपुर में गाड़ी संख्या 12561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को डिरेल करने का प्रयास किया गया, लेकिन ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। रेलवे ने सदर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल PM और उन्हें तेज तरार अर्थशास्त्रियों ने लगातार जॉबलेस ग्रोथ के विचार पर हमला किया है, लेकिन 2014 के बाद से जो हकीकत देखी गई वे शायद इससे कहीं ज्यादा भयावह है, और वे है रोजगार में कटौती। कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ आगामी 2 मैचों से पहले नए मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ अपने कामकाज पर चर्चा की। शर्मा ने कहा कि गंभीर और पूर्व कोच राहुल द्रविड़ की कोचिंग स्टाइल में अंतर है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका गंभीर के साथ अच्छा रिश्ता है। भारतीय चाय संघ के अनुसार 2024 में देश भर में चाय उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें असम में 11% और पश्चिम बंगाल में 21% की कमी दर्ज की गई है। इस गिरावट के कारण मई तक का अपर्याप्त वर्षा और अत्यधिक गर्मी बताया गया है। PM नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिवस पर उनके द्वारा प्राप्त उपहार और स्मृति चिन्हों की नीलामी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इस बार लगभग 600 वस्तुएं नीलाम की जाएंगी और इससे प्राप्त धनराशि गंगा की सफाई के लिए दान की जाएगी। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी जानकारी दी है। अमेजन ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। 2 जनवरी 2025 से सभी कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन ऑफिस आना अनिवार्य होगा। ये नई पॉलिसी अगले साल से लागू होगी, जैसा कि द गार्जियन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री आतिफ सिंह पर उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाए। मालीवाल ने कहा कि आतिफ सिंह के परिवार ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए राष्ट्रपति को दया याचिकाएं दायर की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली को लागू करेगी। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर दिया गया। भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षमताओं को 10 गुना बढ़ाने की योजना बनाई है और 61 देशों और 5 बहुपक्षीय संगठनों के साथ सहयोगात्मक समझौते किए हैं। सरकार की योजना है कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 2033 तक $44 बिलियन तक बढ़ाया जाए। IRCTC ने अपना देश के तहत 13 दिन का 4 धाम यात्रा टूर पैकेज पेश कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 62,330 रुपए है। इस पैकेज के जरिए यात्री बद्रीनाथ से केदारनाथ धाम तक सस्ते और सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर पाएंगे। ट्राइम्फ ने भारत में 2025 से ट्रू MPH स्पीड 400 लॉन्च कर दी है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 2.4 लाख रुपए है। नए वर्जन में एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर के साथ 4 नए कलर ऑप्शन मौजूद हैं। हालांकि बाइक के परफॉर्मेंस और मैकेनिज्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को रोकने से इनकार कर दिया है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वकीलों के मिल रही धमकियों का हवाला देते हुए लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने की मांग की थी। देश में जनगणना कराए जाने पर आए दिन राजनीति हो रही है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इसके संकेत दे दिए हैं कि भारत में जल्द जनगणना होने जा रही है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में तारीख को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है। पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कहा कि भारत की प्रगति और वित्तीय संभावनाओं के बारे में वैश्विक स्तर पर पर्याप्त जानकारी का अभाव है। उन्होंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका में कहा कि दुनिया अभी तक भारत की पूरी वित्तीय संभावनाओं से अवगत नहीं है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक नए अध्ययन में बताया है कि ओजोन पर्वत में लगातार सुधार हो रहा है, जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने में मदद कर रहा है।
आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजू कुमार, संजीव कुमार, श्री भगवान, प्रजापति, मुकेश यादव, जितेंद्र ठाकुर, रवि शंकर, बलराम शाह, राजीव कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, मोहम्मद अरमान, नौशाद रजा, बाबूलाल मरांडी, रवि शंकर शाह, सपना कुमारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके आसपास की सड़क की स्थिति कैसी है? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।